नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त खराब रोशनी है डरबन में, खराब रोशनी है, खेल रुका हुआ है। हालांकि अभी 29 ओवर का खेल खेला जाना बाकी है, लेकिन जितना खेल अभी तक हुआ है भारत बहुत ज्यादा आगे चला गया है। 181 रन एक विकेट के नुकसान पर यह भारत का स्कोर है। जी हाँ, मुरली विजय अपने चौथे टेस्ट सेंचुरी के बहुत करीब पहुंच गए हैं, 91 रन बनाकर खेल रहे हैं और चेतेश्वर पुजारा पारी दर पारी सॉलिड बल्लेबाज के तौर पर सामने आ रहे हैं, 58 रन बनाकर वो भी खेल रहे हैं। इन दोनों के बीच 140 रन की साझेदारी हो चुकी है, लेकिन अब से कुछ मिनट पहले खराब रोशनी के बाद अंपायर खिलाड़ियों को बाहर ले गए और भारत को अब यह देखना होगा कि कितनी जल्दी खिलाड़ी वापस आ सकते हैं, कितना खेल और आज हो सकता है। चेतन चौहान स्टूडियो में रहेंगे, सौरभ गांगुली कोलकाता स्टूडियो से हमारे साथ होंगे। आज के दिन की बात होगी, भारत की बल्लेबाजी की बात होगी, साथ ही साथ क्या दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी में अब वो कमाल नहीं दिख रहा, क्या भारतीय बल्लेबाजों ने उनके हौसले इतने ज्यादा पस्त कर दिए, इस सब पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आपको स्कोर दिखा दें, 181 रन एक विकेट के नुकसान पर और इस वक्त 61 ओवर का खेल हो चुका है, यानी कि अभी भी दिन का खेल खत्म होने में 29 ओवर बचे हुए हैं। अगर वो शतक बनाते हैं तो कई सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि सवाली बल्लेबाजों से विदेश में जाकर बहुत उम्मीद होती है। शिखर धवन भले ही आज 29 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन मुरली विजय कॉपी बुक बैटिंग, संयम भी उन्होंने दिखाया, लूज गेंद का इंतजार किया। हालांकि पुजारा आज थोड़े से ज्यादा पॉजिटिव दिखे, 58 रन बनाकर वो भी बैटिंग कर रहे हैं।